केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालों आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र, आज देश के सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन किया था 2015, उस मिशन का सक्सेस रेट था 3 out of 70। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उनका एक बना मिशन, मिशन 2020, और उन्होंने कहा था अब की बार 45 पार। 45 पार करने निकले थे, 8 पर सीमित रह गए। अब 2025 में जिस प्रकार के कांड वो लगातार कर रहे हैं दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, चाहे वो अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रुकवाना हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने का षड्यंत्र हो, चाहे अपने अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकना हो, ओपीडी के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटाना हो, जितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचेगी उतना जोर की तमाचा दिल्ली वाले उन्हें मारेंगे। मैं आपको आज पूरे कॉन्फिडेंस से बता रही हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कि एक सीट भी 2025 में आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी बात।